और सारे जो पदाधिकारी हैं वो क्या ऐसे भीतर खाने में चल रहा है, सारे आपके खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? उनसे पूछिए, गांधी परिवार ने आपको आश्वासन दिया है, क्योंकि शायद कहीं आप चेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए दे डोंट वांट द चेंज। करेक्ट, दोज हु आर नाउ इन पावर दे वांट चेंज, तो मतलब उनके जो अभी जिम्मेदारियां हैं नेचुरली वो चाहते हैं कि वो निरंतर कंटिन्यू करते रहे। मैं तो सिर्फ बदलाव के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर मैं अध्यक्ष बनूं तो नेक्स्ट डे मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेके के लिए चुनाव बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है और कांग्रेस के संविधान जब कहते हैं कि चुनाव होनी चाहिए मैं कर लूंगा। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको गेम चेंजर आप कह सकते हैं, जिनको आप अंडरडॉग कह सकते हैं, जिनको आप चैलेंजर कह सकते हैं। जी हाँ, शशि थरूर साहब, तिरुवनंतपुरम के सांसद, लगातार 30 साल तक लगभग यूएन में उन्होंने सर्विस की, वहां पे चुनाव लड़ा। और शशि साहब, हमारे तमाम दर्शक जो है आप सोशल मीडिया पे तो बहुत पॉपुलर है ही, 3 बार सांसद रह चुके हैं, तमाम दर्शक सियासी मौसमी के साथ में आपसे जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे निर्णायक मोड़ पे ये पूरा चुनाव? देखिए, अच्छी तरह चल रहा है ये चुनाव, मेरे ख्याल में मेरा प्रचार से मेरा अनुभव है कि ये सियासी मौसम में ज्यादा बारिश नहीं है। दिल्ली में तो 2-3 दिन जब मारी बारिश हुआ, मैं तो दिल्ली में नहीं था। अच्छा। एक एक अलग अलग शहर जाके प्रचार कर रहा था। आज मैं दिल्ली में हूँ, कल भोपाल पटना, परसों गुवाहाटी शिलांग और रविवार को लखनऊ, तो हम दौड़ते जा रहे हैं और अंत में तिरुवनंतपुरम में मुझे वोट करना पड़ेगा मेरे ही पीसीसी में। तो यही सिस्टम है हमारे। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा उदाहरण है देश के लिए कि कांग्रेस दिखा रहे हैं दूसरे सियासी पार्टीज को कि हमारी देश में पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र होने चाहिए। सिर्फ लोकतंत्रता के बारे में हम बाहर बोलते हैं कि भारतीय लोकतंत्रता के बारे में, लेकिन हमारे पार्टियों के अंदर भी इस किस्म की लोकतंत्रता दिखाना चाहिए। पर आपने कहा सियासी मौसम में ज्यादा बारिश नहीं, मुझे लगता है कि सियासी मौसम कांग्रेस के भीतर काफी गर्माया हुआ है। नहीं, देखिए, प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हो और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि आपके वहाँ एम्प्टी हॉल्स हैं, कोई पदाधिकारी नजर नहीं आ रहा है। पदाधिकारी शायद नहीं आते हैं, लेकिन भूल जाइए मत कि साधारण कार्यकर्ता भी डेलीगेट्स हैं और साधारण कार्यकर्ता का वोट बिल्कुल समान है एक बड़ा नेता का। तो ये पद नेता आएंगे या नहीं आएंगे बड़ा प्रश्न नहीं है। कई जगहों में कोई आए या कोई जगह में कोई नहीं आए, लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं। अंत में मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं कोशिश किया उनको संपर्क करने के लिए, और जो हम डायरेक्टली फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाए तो हम उनको फोन पे या संदेश देके या अंत में व्हाट्सएप करके या ऐसे कुछ तरीके से हम उनको संपर्क कर सकते हैं। भूल जाइए मत कि आप लोग भी हमारे प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यमों के मार्ग में भी हमारे संदेश जा रहे हैं पार्टी के अंगों के लिए। और मेरे ख्याल में हमारे लोग, आप जैसे जर्नलिस्ट की जो रिपोर्टिंग देख के मेरे संदेश को उनको भी मिल जाएगा। शशि साहब, लगातार अगर हम लोग देखें तो आपने बहुत अभी प्रेस वार्ता की और कल हम लोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात की, तो वो कह रहे हैं कि जनता तो डेलीगेट्स का प्यार है, अगर वो उमड़ रहा है और डेलीगेट्स खूब आ रहे हैं, हाउसफुल है, मुझे चाहते हैं और उनका वो सम्मान कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है, इसमें डर की बात कहाँ है? नहीं नहीं, अच्छी बात है कि लोग उन्हें प्यार करते हैं। मैं भी सोचता हूं कि मुझे भी ज्यादा प्यार की कमी नहीं सुनाई दे रहा जब मैं लोगों से संपर्क करता हूं फोन पे, लेकिन आने में कुछ लोगों को, मेरे ख्याल में कुछ लोगों को, कई नेताओं ने उनको घबराया है कि वहां जाओगे इनसे मिलेंगे तो शायद पार्टी में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो हमें तो ऐसे बता रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं है, जब हाईकमांड बिल्कुल निष्पक्ष है और वो लोग अनाउंस किए हैं कि वो निष्पक्ष है, कि कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है इस चुनाव में और हाईकमांड की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, तो कौन है ये नेताओं हमारे पार्टी अध्यक्ष के शब्दों को भरोसा नहीं करने, विश्वास नहीं दे रहे हैं। मुझे तो ये बड़ी अजीब सा लग रहा है कि जब गांधी परिवार कहते हैं कि चुनाव लड़ो, हिम्मत से लड़ो, अच्छी बात है पार्टी के लिए, तो आप लोग कौन हो कहने के लिए कि लड़ने वाले के साथ जाइए मत। एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में एक जब लेवल प्लेइंग फील होते हैं तो सब लोग आना चाहिए, सब लोग दोनों को सुनना चाहिए। एक्चुअली हम तो सहयोगी है तो एक ही मंच पे हम दोनों बैठ के बात भी कर सकते थे, लेकिन ये इसका तो मौका नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि
इस किस्म में तो प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है। लेकिन जो हमारे चुनाव के जो रूल्स है, जो नियम है, मेरे ख्याल में वो तो काफी फेयर है, काफी लेवल है। और मिस्त्री साहब के तरफ से जो भी उसने जो डिसीशन किया है, कल भी आपका इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मेरे ख्याल में हाँ बैलेट बॉक्स बंद करेंगे, सारे वोट्स को मिला के करेंगे, वोट ही गोपनीय होंगे, मतलब सीक्रेट बैलेट होंगे। तो ये सब सुन के मुझे लग रहा है कि पार्टी की तरफ से जो कुछ कर सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए तो पार्टी कर रही है, लेकिन कुछ नेताओं का जो बिहेवियर है इसमें, ये तो मेरे ख्याल में कई लोग को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो भी हुआ हुआ है, हम तो आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अगर क्रिकेट खेलने गया तो मैं जो भी पिच मिलेंगे उसी पिच पे बैटिंग करना ही पड़ेगा, तो ये मैं कर रहा हूँ। कहा जाता है कि आज तक जो भी हुआ उसको भुला देना, आज से तय कि दुश्मन को दुआ देना, तो आपका भी यही है। वैसे दुश्मन तो नहीं है, नहीं, दुश्मन तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, सहयोगी है। हाँ, दोस्त को दुआ दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर खड़गे साहब की जीत हुई है, मेरी जीत हुई, अंत में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर लगा, पूरे देश की ध्यान हमारे पार्टी पे है, और इस चुनाव में एक अच्छा प्रोसेस बिना कोई बड़ी शिकायत के साथ गिनती हुई और हमारे रिजल्ट आए, तो मेरे ख्याल में हम लोग को रिजल्ट मानना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पार्टी ज्यादा मजबूत हो जाएगी इस चुनाव के कारण। खड़गे साहब से हम लोग जब बात कर रहे थे, बार बार हम आपका जिक्र कर रहे थे, तो वो कह रहे थे डोंट कम्पेयर मी विद थरूर, तुलना मत करिए आप। और थरूर, उन्होंने एक लाइन बोली कि थरूर मेरे एग्जामिनर नहीं, जब मैं था राजनीति में तब थरूर कहाँ थे। हाँ, देखिए मैं तो बिल्कुल खड़गे साहब का एडमायरर हूँ। जब उन्होंने उनका 80th जन्मदिन को, जो 80 के जन्मदिन को उसने मनाया, मैंने ही एक उनके लिए एक ट्रिब्यूट लिखे भेज दिया था कि उनकी करियर तो हम सारे कांग्रेस की व्यक्तियों के लिए एक गर्व की बात है। तो मैं तो खड़गे साहब को एग्जामिनेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे तरफ से मेरे घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, इस किस्म के बदलाव आपको चाहते हैं तो मुझे आप चुन लीजिए। अगर आप संतुष्ट है कि जैसी चीज चल रहे हैं, और नेचुरली हमारे नेता जो वर्तमान नेता है, नेचुरली वो तो संतुष्ट है, वो तो खड़गे साहब को ही चुन लेंगे, और मुझे एब्सोल्युटली कोई उतराज नहीं है। क्योंकि आपके नेता बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, वो क्या ऐसे भीतर खाने में चल रहा है, सारे आपके खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? उनसे गांधी परिवार ने आपको आश्वासन दिया है, क्योंकि शायद कहीं आप चेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए दे डोंट वांट द चेंज। करेक्ट, दोज हु आर नाउ इन पावर वुड दे वांट चेंज, तो मतलब उनके जो अभी जिम्मेदारियां हैं, नेचुरली वो चाहते हैं कि वो निरंतर कंटिन्यू करते रहे। मैं तो सिर्फ बदलाव के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर मैं अध्यक्ष बनूं तो नेक्स्ट डे मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है, और कांग्रेस के संविधान जब कहते हैं कि चुनाव होनी चाहिए, मैं कर लूंगा। मेरे ख्याल में एक अध्यक्ष का जो घोषणा पत्र है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्म होनी चाहिए, मेरा है। और जो कई सालों से लोग कोई जो बदलाव चाहते हैं, जैसे कि पार्टी के अंदर चुनाव, पार्लियामेंट्री बोर्ड की रिवाइवल, हमारे जो विकेंद्रीकरण होने चाहिए, हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को जरा सा वो भी हकदार बनने चाहिए, वो भी उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ये सब तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं घोषणा पत्र में अनाउंस किया हूँ, और मैं इसी के लिए खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बिजनेस एज यूजल चले, क्योंकि बिजनेस एज यूजल के साथ हमारे पार्टी कभी भी फाइटिंग फिट नहीं होंगे अगले वाले आने वाले चुनाव में लड़ने के लिए।